एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। तभी मेज पर चींटियों की एक लंबी कतार चलती हुई दिखाई दी। चींटियां रसोई घर से कुछ खाने की चीजें ले जा रही थीं। अकबर को यह देखकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, यह क्या बेअदबी है? ये चींटियां मेरे महल में घुसी हुई हैं और मेरा खाना चुरा रही हैं। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उन चींटियों को भगा दें। सैनिकों ने कोशिश की, लेकिन चींटियां मेज पर से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। अकबर और ज्यादा गुस्से से भर गए। तभी बीरबल दरबार में आए। उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है और अकबर को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। बीरबल ने पूछा, हुजूर, आप किस बात से परेशान हैं? अकबर ने चींटियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बीरबल, ये चींटियां मेरा खाना चुरा रही हैं। बीरबल ने ध्यान से चींटियों को देखा। फिर उन्होंने पूछा, हुजूर, क्या आपने कभी गौर किया है कि ये चींटियां कहाँ जा रही हैं? अकबर ने गौर नहीं किया था। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। बीरबल ने चींटियों की कतार को फॉलो किया। वह उन्हें महल के बाहर एक दरार के पास ले गए। दरार के पास चींटियों का एक बड़ा सा झुंड जमा हुआ था। वे दरार में खाने की चीजें ले जा रही थीं। बीरबल वापस आए और अकबर को बताया कि दरअसल चींटियों का घर उस दरार में है। शायद बारिश की वजह से उनका घर तबाह हो गया है और अब वे खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही हैं। अकबर को यह सुनकर तरस आ गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जल्दबाजी में गलत फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया कि चींटियों को भगाने की बजाय उन्हें रसोई घर से थोड़ा सा खाना दिया जाए। कुछ दिनों बाद चींटियों की कतारें महल में दिखाई देना बंद हो गईं। अकबर को खुशी हुई कि उन्होंने चींटियों की मदद की। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें छोटे जीवों को भी सम्मान देना चाहिए। हर जीव का अपना महत्व होता है और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में उसका योगदान होता है। साथ ही यह कहानी जल्दबाजी में फैसला न लेने का भी पाठ देती है। अकबर को नई चीजें बनाने का बहुत शौक था। एक बार उन्होंने अपने सबसे अच्छे शिल्पकार को बुलाया और उससे एक अनोखा महल बनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा महल चाहिए जो गर्मियों में भी ठंडा रहे। शिल्पकार अकबर के आदेश का पालन करने के लिए उत्सुक था। वह तुरंत काम पर लग गया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसने एक खूबसूरत महल बनाकर तैयार कर दिया। महल में संगमरमर की दीवारें थी और हर कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई थी। अकबर नया महल देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। वह अपने दरबारियों के साथ महल में घूमने गए। उन्होंने हर कमरे को देखा और हर जगह हवा आने का इंतजाम किया हुआ पाया। वह बहुत खुश हुए और उन्होंने शिल्पकार की तारीफ की। कुछ दिनों बाद अकबर गर्मी के दिनों में महल में आराम कर रहे थे, लेकिन उन्हें गर्मी कम नहीं लग रही थी। उन्होंने दरबारियों से पूछा, यह कैसा महल है? हवा तो बिल्कुल नहीं आ रही है। दरबारी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी उन्हें याद आया कि शिल्पकार को सिर्फ इतना ही बताया गया था कि महल में हवा आनी चाहिए। उन्होंने इस बारे में अकबर को बताया। अकबर को एहसास हुआ कि गलती उनकी थी। उन्होंने शिल्पकार को बुलाया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे तुमसे यह भी कहना चाहिए था कि हवा कहाँ से आनी चाहिए और कहाँ से जानी चाहिए। सिर्फ खिड़कियाँ लगा देने से हवा नहीं चलती। शिल्पकार ने अकबर की बात समझी। उन्होंने महल में कुछ बदलाव किए जिससे हवा एक तरफ से आकर दूसरी तरफ निकल सके। इसके बाद महल वाकई में ठंडा रहने लगा। इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्पष्ट निर्देश देना बहुत जरूरी है। अगर निर्देश अधूरे या अस्पष्ट हों, तो काम गलत तरीके से हो सकता है। अकबर को दूर दूर के देशों से आने वाली चीजों का संग्रह करना बहुत पसंद था। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। व्यापारी ने दावा किया कि उसके पास सुनहरे पंखों वाले अद्भुत पक्षी हैं। अकबर ने पहले कभी ऐसे पक्षी नहीं देखे थे।
वह उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने व्यापारी से उन पक्षियों को खरीदने के लिए बहुत सारा सोना देने का वादा किया। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये पक्षी बहुत ही खास हैं। इन्हें किसी पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ जंगल में आना होगा। अकबर थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुनहरे पक्षियों को देखने की जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। वह अगले दिन जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक विदेशी व्यापारी के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। वे घंटों जंगल में चलते रहे, लेकिन उन्हें कोई सुनहरा पक्षी नहीं दिखा। अकबर थकने लगे और उन्हें गुस्सा भी आने लगा। तभी उन्हें दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह पेड़ों के बीच से आने वाली सुनहरी रोशनी थी। जैसे जैसे वे करीब गए, वैसे वैसे रोशनी तेज होती गई। अचानक अकबर को एहसास हुआ कि वह धोखा खा गए हैं। वह सुनहरे पक्षी नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी से चमकते हुए आम के फल देख रहे थे। विदेशी व्यापारी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अकबर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने व्यापारी को कड़ी सजा दी। उन्हें यह भी खुशी हुई कि बीरबल उनके साथ थे। बीरल की वजह से ही वह जंगल में भटकने से बच पाए। इस घटना के बाद अकबर ने लालच में आकर जल्दबाजी में फैसला न करने का प्रण लिया। साथ ही उन्होंने यह भी सीखा कि प्रकृति में ही इतना सारा सौंदर्य मौजूद है कि हमें दूर दूर से अजीब चीजें लाने की जरूरत नहीं है। एक बार अकबर अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। एक छोटे से गांव में उन्हें एक ईमानदार सौदागर की दुकान दिखाई दी। दुकान के बाहर एक तराजू लटका हुआ था, जिसकी एक पलड़ा हमेशा नीचे झुकी रहती थी। अकबर को यह देखकर ताजुब हुआ। उन्होंने सैनिकों से पूछा, यह कैसा तराजू है? एक पलड़ा तो हमेशा नीचे ही रहता है। सैनिकों ने बताया कि यह गांव के सबसे ईमानदार सौदागर की दुकान है। वह हमेशा अपने ग्राहकों को थोड़ा ज्यादा सामान देते हैं, इसीलिए तराजू का एक पलड़ा नीचे रहता है। अकबर की सौदागर से मिलने की इच्छा हुई। वह दुकान में गए और उन्होंने सौदागर से पूछा, मुझे यह बताओ कि तुम हमेशा तराजू का एक पलड़ा नीचे क्यों रखते हो? सौदागर ने नम्रता से जवाब दिया, हुजूर, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्राहक हमेशा खुश रहें। जब मैं उन्हें सामान देता हूँ तो थोड़ा सा अतिरिक्त भी दे देता हूँ। इससे उनका भी फायदा होता है और मेरा भी आशीर्वाद मिलता है। अकबर सौदागर की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें यह सोचकर मजा आ रहा था कि कैसे एक छोटा सा काम किसी के लिए खुशी का कारण बन सकता है। तभी वहां से गुजर रहे बीरबल ने उन्हें रुकते देखा। बीरबल ने पूछा, हुजूर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अकबर ने उन्हें पूरी कहानी बताई और कहा, देखो बीरबल, यह सौदागर कितना ईमानदार है। वह अपने ग्राहकों को हमेशा थोड़ा ज्यादा सामान देता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, शायद यह सौदागर इतना ईमानदार भी न हो। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? वह तो साफ साफ कह रहा था कि वह अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचाता है। बीरबल ने दुकानदार को बुलाया और उससे पूछा, मुझे थोड़ा सा घी चाहिए, क्या आप मुझे थोड़ा अतिरिक्त भी दे सकते हैं, जैसा कि आप अपने ग्राहकों को देते हैं? सौदागर थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, हुजूर, घी तो बिल्कुल भी नहीं है, सब खत्म हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने अभी देखा था कि आपके पीछे एक घड़े में घी भरा हुआ है। सौदागर पकड़ा गया। वह अकबर से माफी मांगने लगा। उसने बताया कि वह सिर्फ कुछ खास चीजों पर ही थोड़ा ज्यादा देता है, बाकी चीजों पर नहीं। अकबर को यह जानकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्हें यह भी खुशी हुई कि बीरबल की वजह से उन्हें सच्चाई का पता चल गया। उन्होंने सौदागर को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची ईमानदारी हर काम में और हर किसी के साथ जरूरी होती है।
यह कहानी यह भी बताती है कि दिखने में अच्छी बात भी हमेशा सच नहीं होती। हमें किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अकबर को विद्वानों से ज्ञान की बातें करना बहुत पसंद था। एक बार उनके दरबार में एक प्रसिद्ध पंडित जी आए। पंडित जी ने दावा किया कि उन्हें हर विषय का ज्ञान है। अकबर को उनकी बात पर थोड़ा शक हुआ। उन्होंने सोचा कि पंडित जी की असली परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें कान में कुछ कहा। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की बात मान गए। फिर अकबर ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आप कहते हैं कि आपको हर विषय का ज्ञान है, तो क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है? पंडित जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हुजूर, पृथ्वी एक विशाल हाथी की पीठ पर टिकी हुई है। अकबर ने जानबूझकर ताज्जुब जताते हुए कहा, लेकिन पंडित जी, वह हाथी किस पर टिकी हुई है? पंडित जी थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने फिर भी जवाब दिया, हुजूर, वह हाथी एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और वह कछुआ किस पर टिका हुआ है? पंडित जी अब पूरी तरह से घबरा गए थे। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वह चुपचाप खड़े रह गए। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने कहा, हुजूर, क्षमा करें, शायद पंडित जी को यह बताने में परेशानी हो रही है कि वह कछुआ अंतरिक्ष में तैर रहा है। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हंस पड़े। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें हर विषय का ज्ञान नहीं है और उन्होंने अकबर को प्रभावित करने के लिए झूठ बोला। अकबर ने पंडित जी को ज्ञान अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने की सलाह दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता के साथ आता है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।